Yeah, yeah. Okay. ओके जी, तो भाई फिर से आपका स्वागत है मेरी इस एक और नई वीडियो में, और आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होगे। तो भाई अभी टाइम देख लो, पता क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 8:30, और रात को मैं एडिटिंग करके सोया था, मेरे को 2 बज गए थे रात को एडिटिंग करते करते, फिर 2 बजे से मैं सोया और आज सुबह 8 बजे उठ गए, और अभी मैंने वीडियो लगा रखी अपलोडिंग पे, पता नहीं कब जाके अपलोड होगी। तो डेली ब्लॉगिंग में बस यही एक प्रॉब्लम होती है, जब हम डेली ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, चूंकि बाहर घूमने जाते हैं तो फिर ये वीडियोज अपलोड करने में दिक्कत होती है थोड़ी, बस क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो चलता है। तो चलो उसका कोई नहीं, अब अभी सबसे पहले भाई यहाँ पे एक बार व्यू देखो आप। तो ये है ऊपर हमारा होटल, ये जो यहाँ से यहाँ वाला ये सारा पार्ट देख रहे हो ना, ये सारा हमारा होटल ही है, मतलब हमारा होटल क्या, हम इस होटल में रहे हैं रात के लिए। और अभी हमने चाय मंगवाई है, अभी थोड़ी देर में हम बस यहाँ से चेकआउट कर देंगे और फिर निकलेंगे हम आगे के लिए। तो आज का हमारा क्या प्लान है वो आपको रास्ते में बताएंगे या बाद में बताएंगे, ठीक है, कि हम कहाँ जा रहे हैं और आज क्या क्या करेंगे। मैं सोचा यार सबसे पहले उठते सार आपको यहाँ का बाहर का व्यू दिखाते हैं एक बार, और अब आपको पता नहीं वो पहाड़ दिख रहा होगा या नहीं। हाँ दिख रहा है, ये जिस पहाड़ पर बर्फ़ पड़ी है ना, ये वाली जो ये पहाड़ है, ये है ट्रियून ट्रैक। अब जो जिनको पता होगा यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह होती है, और वो एक दिन की ट्रैकिंग होती है पूरी, फिर रात को जाके वहाँ पे स्टे करना होता है। तो हमने पूछा था भैया से कि वो कौन सा पहाड़ है जहाँ बर्फ़ पड़ी है ना, तो उन्होंने बताया फिर हमें। और ये सबसे नीचे वाला फ्लोर है, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे है हमारा रूम। उठ गए सब, रात को पहले पता नहीं रूम अच्छे से दिखाया था कि नहीं। ओहो नए कपड़े देख रहे हो, नए कपड़े। तो भाई ये यहाँ से एंट्री करते ही इस तरह का रूम है, और रूम तो वैसे काफी अच्छा है, रात को हमें गर्मी भी नहीं लगी बिल्कुल भी। और इस साइड है बाथरूम, मैंने बाथरूम नहीं दिखाया था शायद से पिछले व्लॉग में आपको, ये बाथरूम में लाइट कहाँ से ऑन होती है भैया। बाकी अभी हमने चाय मंगवाई है, चाय आ रही है, चाय पी के फिर तैयार वगैरह होएंगे और निकलेंगे आगे के लिए। आगे ब्रेकफास्ट बार कर, हाँ रास्ते में करेंगे। तो भाई पापा देखो रेडी हो गए, पापा ने पूरी शर्ट वगैरह पहन ली है, ठीक है ऐसे जाना पापा ने। नहीं नहीं ऐसे जाना है पापा ने। पापा कहते क्या करना, गाड़ी के अंदर ही बैठना, एकदम रिलैक्स होके जाएंगे, घूमना ही है हमने, घूमने फिरने आए, एंजॉय करने आए, तो हम ऐसे ही घूमेंगे कच्चे में। अरे मैच कर रही है व्हाइट और रेड, कितना अच्छी कॉम्बिनेशन है। तो भाई रात को हमारी गाड़ी ना यहाँ पे पार्क हो गई थी, और हमारा होटल है ये वाला, ये हमें को नाम नहीं पता लग रहा है इसका, होटल पता नहीं कैसा नाम है इसका, होटल पद्मिनी। तो फिर यह इस होटल में हमने स्टे किया था रात को, और अभी गाड़ी यहाँ से निकाल के ना वहाँ लगा रहे हैं बाहर रोड पे, क्योंकि यहाँ पे कोई बैंक वगैरह का काम चल रहा है उसकी वजह से। तो गाड़ी वहाँ लगा देंगे, सामान हम फिर यहाँ से सामान लेके जाना पड़ेगा, वहीं रखना पड़ेगा सामान। तो अभी तो जान दो जान दो जान दो, रुको 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 रुक जाओ रुक जाओ, टायर स्पिन हुआ ब्रो, बस 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 बस, अगर यहाँ से पीछे चल जाती ना अभी काम हो जाता फिर। और बाकी होटल के बारे में बताया तो ये वाला होटल ऐसे काफ़ी अच्छा था, अगर आपको भी स्टे करना होगा धर्मशाला में ना, तो होटल काफ़ी अच्छा है। हमने 11 बजे यहाँ पे चेक इन किया था, और काफ़ी अच्छा होटल था, खाना वगैरह एकदम मस्त था इनका। और मैं सोचता हूँ कि चलो अगर हमें ठीक मिला ना, और अगर आप में से भी कोई वीडियो देख के आता है यहाँ पे, तो फिर आपको भी थोड़ी आसानी रहेगी कि हाँ चलो इसने दिखाया है होटल वीडियो में ना, तो यहीं जाकर रुक जाएंगे। उनके पास रूम भी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो अच्छा होटल है वैसे बस ये। चलो अभी गाड़ी हमने लगा दी इधर, ठीक है अभी चलते हैं रूम में, और सामान वगैरह लेके आते हैं अपना, आपने ये भी सेट कर दी चादर। चलो तो भाई सारा सामान मैंने पैक कर लिया है, अभी पहले गाड़ी में रख के आते हैं, उसके बाद चेकआउट करेंगे यहाँ से। और इस राइट साइड में देखो ये जिम भी है। तो भाई ये वाला जो जिम है ये होटल वालों का नहीं है, ये अलग से जिम है जो लोग मंथली पैसे लेके आते हैं ना, जो लोकल होते हैं, हाँ मतलब लोकल्स करते हैं जिम, और होटल के साथ ही जिम भी ज्वाइन है इधर। तो भाई चलो वो खड़ी हमारी गाड़ी, और आज हमने जाना है मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज जाना है ना, मैक्लोडगंज हाँ नड्डी, एक नड्डी और मैक्लोडगंज। हाँ रात को तुम्हारा प्लान नड्डी में रुकने का ही बना था, लेकिन अंधेरा इतना हो गया था, टाइम भी काफी हो गया था, फिर हमने सोचा यहीं पे होटल ले लेते हैं, यहीं पे रुक जाएंगे रात को। तो फिर आज चलेंगे अब नड्डी, और रात को ना मजा भी नहीं आ रहा था ना, क्योंकि अंधेरा इतना था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, व्यू वगैरह दिख ही नहीं रहे थे, पूरी बर्फ पड़ रखी है देखो इस पहाड़ पे। हेलो रखो, एक तो ये लैपटॉप इतना भारी है ना यार। चलो तो भाई अब टाइम हो रहा है 9:27, और अब जाके हम निकल गए हैं डल लेक भैया, यही रास्ता है डल लेक सीधा। तो भाई धर्मशाला की रोड देख लो, यहाँ पे पतली पतली है, मार्केट दोनों साइड में मार्केट है, और बीच में रोड जा रही है। मेरे को लगा था कि यहाँ के रास्ते मतलब सिंपल सी आएंगे, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे क्या, ये भी पूरी मार्केट के बीच से रोड निकल रही है, पूरी खड़ी चढ़ाई है ये। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं डल लेक, डल लेक का रास्ता है 18 मिनट का, ये बस 7 किलोमीटर है, और व्यू यार व्यू से आने वाले अब आगे आगे।
तो भाई चेक करो ये हम कहाँ चढ़ गए पहाड़ के ऊपर। हम यहाँ रुके थे फोटोज वगैरह खींचने के लिए और हमें एक मस्त सा पहाड़ दिखा यहाँ पे। और भाई पता है आपको जहाँ भी हमें पहाड़ दिख जाए, पहाड़ दिखते ही हम चढ़ जाते हैं पहाड़ पे। ये पहाड़ का भी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ऊपर। देखो सबको देखो कितनी जल्दी पड़ी ऐसे भाग रहे सब आगे। वो देखो आराम से बैठ गए उधर फोटो खिंचवाने। वो देखो वो मेन रोड है, वहाँ पे मेन रोड से हम पहाड़ के एकदम ऊपर ही चढ़ गए यहाँ पे। वो देखो बीबियाँ आ रही है वहाँ से। कौन बीबियाँ? क्या बोलते बीबियों को हिंदी में? क्या बोलते आंटियाँ? हाँ क्या बोलते हिंदी में बीबियों को? हाँ देखो आंटियाँ आ रही है। आंटियाँ थक गए दोनों। अगर पतली होना ना ऐसे भाग भाग के भाग हाँ तो ये पतले हो गए, जिम जाने से कुछ नहीं होगा, थकना नहीं है, भाग मिल्खा भाग। सबसे पहले आपने घबराना नहीं। वो देखो बंगलोर। अरे वो देखो टिम्बर ट्रेल देखो। हाँ वो देखो टिम्बर ट्रेल नहीं, इसको रोबे बोलते हैं। और रोब टिम्बर ट्रेल वहाँ पे है परवन में। कितना ज़्यादा टेम्परेचर है बहुत है। अब ये 24 degrees। तो भाई ये जगह लगी हम एक मस्त और हमने यहाँ पे फिर से ब्रेक मार ली। अभी ये वैसे है तो सारा मिलिट्री एरिया, पता नहीं अभी वीडियो बनाना अलाउड होगा कि नहीं। और उस वहाँ देखो भाई साहब रोप पे देखो ये तो पूरी खड़ी चढ़ाई है। देखो चढ़ाई इतनी खतरनाक है ना। ओह यहाँ पर रोकनी पड़ेगी अभी। निकाल यार जा पीछे का। नहीं तू जा मोटरसाइकिल ना, वो भी नहीं जा सकता यार। भैया ये बाइक थोड़ी साइड कर दोगे? आ जाओ सीधी आ जाओ। ओ भाई इतनी पतली रोड। ओ भाई फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं डल लेक। ये आगे डल लेक पहाड़ की चोटी पे आ गए। तो भाई ये है डल लेक। और ना मेरे को थोड़ा बहुत है यार, छोटे होते भी हम डल लेक आए थे यहाँ पे। और हमारी एक फोटो है बहुत पुरानी हमारे पास, पता वो अल्टो केटन थी पहले। हाँ अल्टो केटन में। हाँ हमारे पास तो अल्टो केटन थी और अल्टो केटन में हम आए थे यहाँ पे डल लेक में। और अब देखो यार इस जगह कितनी मस्त है। यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमते हैं, कुछ खाते पीते हैं ऐसे। पहाड़ बहुत ऐसे है। हाँ नड्डी आगे है और चढ़ाई। अच्छा अब तो चढ़ाई हम तो वापस मुड़ जाएंगे यहीं से ना। आगे जाना हमने। ये तो बोले ट्री लग रहे क्रिसमस वाले। तो भी अभी ना यहाँ पे ढाबे वगैरह यहाँ पे पहले कुछ खा भी लेते हैं हम। क्या खाना है इधर? क्या खाए? देखो कुलचे भी है यहाँ पे, टिक्की भी है, उधर ढाबा भी है। कुलचे खाए? पेट भर जाएगा कुलचों से। चलो कुलचे खाते पहले फिर पता क्या करेंगे। हाँ हम इधर से जाएंगे। अच्छा जगह है, अच्छा जा सकते उधर। हाँ ठीक है। चलो पहले हो जाए यहाँ पे पेट पूजा, उसके बाद काम दू जा। तू कड़ा खाने का कुलचे मतलब कि परे हो जाए? नहीं नहीं दूसरे प्लेट पे। प्लेट वाले कितने के? 70 रुपए प्लेट वाले। ये देखो नहीं तो ये कर रहा है टिकटॉकर। मैं वही देख रहा हूं। ए देखो कौन सा अच्छा बना हो गया ना जो तुम्हें उस दिन लिए थे वो कहां गए? हां वो तो मैं बोलूंगा तोड़ दिए इसने। कैंपिंग वाला चाकू क्यों? अरे इसमें ये क्या है? नहीं नहीं इसको फिर आके देखो लड़कों चल पैन ये ठीक है ना उधर ही पहन दे नॉर्मल। इसमें कलर और मिल जाएगा देखो ब्लैक है और ये ब्लू है। हां सर मिनट और लग रही दिखा रख। उई ये अपना घूमता रहेगा ये वाला। इसको ये जब तक सूरज की रोशनी रहेगी ना। Yeah, me like it. Every time you wake up, stunning with no makeup. Me like it. How you call my name up? Got me feeling way up. Me like it. Haters trying to break us. Them know they can shake us. Me like it.
chaser. Get ready to take off. Okay. Yeah. फिर से धूप आ गई. वो देखो कौन आ रहा है वहां से. Singham. You my baby. Oh, hit him one time. One time. Yeah. She no play no game, you know. I can never find no hot tea like you, my baby. Oh. Would you be my number one? Number one A, number one. Number one A, number one. Number one A, number one. Won't you be my number one? Number one A, number one. Number one A, number one. Number one A, number one. Yeah. Me like it. How she moving real slow. When she pulling me close, me like it. When we kiss and make up, she be getting paper. तो चलो फिर भाई, ये हमने आज आपको यहाँ पर डल लेक तक दिखा दी है. फिर आज इस व्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करते हैं. अभी हम जा रहे हैं नड्डी की साइड, तो वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा. तो आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही. मिलते हैं आपको मेरी अगली वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.